हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ, हैंगिंग प्लांट, जो फुल धूप में चल जाते हैं, जिनके यहाँ छाया नहीं होती और धूप होती है पूरे टाइम। तो वो ऐसे हैंगिंग प्लांट कौन कौन से हैं जो फुल धूप में चल जाते हैं, तो वही प्लांट आज मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्लांट यहाँ पर देखिए, ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट जो हैंगिंग में बहुत अच्छे से चल जाता है, और छोटे से छोटे पॉट में और बड़े से बड़े पॉट में ये बहुत ईजिली चल जाता है, कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, हमारे घर में लगाना शुभ भी होता है। तो जेड प्लांट को आप जो हैंगिंग में लगा सकते हैं, और पूरे दिन की धूप में इसको जो रखोगे तो ये बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, और बहुत घना भी हो जाता है धूप में, क्योंकि जो है इसकी पत्तियाँ जो है ना बिल्कुल पास पास निकल कर आती हैं धूप में। और इसको शेड में रखोगे ना तो ये बिल्कुल ख़राब भी होने लगता है, लैगी हो जाता है, और पत्तियाँ जो है बहुत दूर दूर होने लगती हैं। तो जो जेड प्लांट है उसको हम जो है फुल धूप में चला सकते हैं, हैंगिंग में, चाहे आप पॉट में लगाएं, हैंगिंग में लगाएं, तो हैंगिंग में बहुत सुंदर लगता है। कि मैंने भी ये एक हैंगिंग में ही लगाया हुआ है, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो इसकी मुझे अब प्रूनिंग करनी है, और कटिंग से मैं काफ़ी सारे प्लांट बना लूँगी। तो इसमें दो वैरायटी होती है, एक ये है जो ऊपर की तरफ जाता है, और एक यहाँ पर देखिए ये जो नीचे की तरफ ट्रेल होता है। तो दो वैरायटियाँ हैं मेरे पास जेड प्लांट में। तो जेड प्लांट जो है धूप में, फुल धूप में ये चल जाता है, पूरे दिन की धूप इसको बहुत अच्छी रहती है, पूरे दिन की धूप में बहुत अच्छे सर्वाइव करता है ये। तो अगला प्लांट यहाँ पे देखिए, ये है रोइयो। रोइयो जो है हैंगिंग प्लांट के लिए बेस्ट प्लांट है, और एक ही प्लांट से जो है ढेरों प्लांट आपके इसमें बन जाएंगे। तो इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनसे भी आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और पूरे दिन की धूप में ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ग्रोथ, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी निकल कर आती है, और पूरे दिन की धूप में ये बहुत ईजिली चल जाता है। तो पूरे दिन की धूप इसको चाहिए होती है, शेड में भी चल जाता है, लेकिन शेड में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है, ये जो है पूरे दिन की धूप में अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसको भी जो है हैंगिंग में आप लगा सकते हैं। और यहीं पर देखिए, ये है लालसा, अल्ट्रा लेंथ्रा भी इसको बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे से हैंगिंग चलता है, और धूप, पूरे दिन की धूप में ये हैज वगैरह बनाने के भी काम आता है ग्राउंड वगैरह में। और ये इसको हम हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, देखिए कितना बड़ा हो गया मेरा। और ये यहाँ रेलिंग पे मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है मेरे रेलिंग पे, तो इसको मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। बहुत छोटी छोटी कटिंग इसकी चल जाती है, बहुत छोटे छोटे पॉट में ये चल जाता है, छोटे से बड़े पॉट किसी में भी आप लगाएं, जितने बड़े पॉट में लगाएंगे उतना बड़ा फैलेगा, और छोटे पॉट में भी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसको भी जो है आप लगा सकते हैं, तो इसमें भी कई वैरायटी आती हैं। और अगला प्लांट है यहाँ पे देखिए, ये है बेबी सनरोज़। तो बेबी सनरोज़ को इस टाइम पे आप कटिंग से लगा सकते हैं, कहीं आपको कटिंग मिलती है तो लगा लीजिए। ये भी पूरे दिन की धूप में बहुत अच्छा चलता है। तो बेबी सनरोज़, सनरोज़ नाम इसका इसीलिए है कि ये पूरे दिन की धूप में चल जाता है। और ये देखिए इस तरह से इसमें से छोटे छोटे जो है प्लांट निकलते रहते हैं, इनको जो आप डिवाइड करके भी प्लांट बना सकते हैं, और कटिंग से इजली इस टाइम पर लग जाएगा। तो बहुत अच्छा मौसम है इसको कटिंग से लगाने का, और नर्सरी पर भी इसके ढेरों प्लांट आपको मिल जाएंगे, किसी भी नर्सरी पर आप कहीं भी जाओगे तो ये काफ़ी जो है फेमस हो गया है प्लांट, तो हर नर्सरी पे आपको देखने को ही मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा, इस तरह से देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर भी इसमें खिलते हैं, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे। तो अभी ये शाम का टाइम है तो बंद हो गया, तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं, बहुत ही ग्रीन रहता है ये पूरे गर्मी, मतलब कि ये गर्मियों का ही प्लांट है, तो पूरे गर्मी बहुत अच्छा ग्रीन रहता है, और हैंगिंग में बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से जो नीचे की तरफ ट्रेल होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, और इसकी पत्तियाँ इतनी थिक होती हैं कि इसमें अगर फ्लावर भी ना खिले ना तो भी ये बहुत सुंदर लगता है अपनी पत्तियों से। तो ये भी बेस्ट है हैंगिंग के लिए पूरे दिन की धूप में। अगला प्लांट यहाँ पर देखिए, ये है रेन लिली। तो रेन लिली भी काफ़ी अच्छा होता है धूप में लगाने के लिए, इसमें भी काफ़ी सारे कलर आते हैं, और ये जो है ना बल्ब से ग्रो हो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी निकल कर आ गई है। अब जैसे जैसे फरवरी मार्च आएगा तो बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। तो जो पिंक कलर का होता है वो फ्लावरिंग देता रहता है, लेकिन और जो कलर है वो बारिश जब होती है तभी देते हैं। तो इसको भी जो है देखिए बिना फूल के भी इस तरह से काफ़ी अच्छे से, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है, और इसमें जो है बल्ब से ग्रो किया जाता है। एक दो बल्ब कहीं से आप लाते हो ना तो एक दो बल्ब से ही ढेरों बल्ब जो है ना इसमें बन जाते हैं। देखिए मैंने भी 3 से 4 बल्ब इसमें लगाए, और ये देखिए एक साल के अंदर ही इन्होंने किस तरह से पॉट को कवर कर लिया है। तो इसको भी जो है ना आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, देखिए इसकी पत्तियों से ये खूबसूरत लगेगा जो है हैंगिंग में लगाने के बाद, फ्लावरिंग तो करे ना करे लेकिन ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगता है। अगला प्लांट यहाँ पे देखिए, ये है रिबन ग्रास। और ये देखिए मेरा एक साल का ही प्लांट है, इसमें मैंने बहुत छोटे से, मतलब छोटे छोटे 2-3 प्लांट लगाए थे, और उसके बाद देखिए इसकी ग्रोथ किस तरह से इसने पूरे पॉट को कवर कर लिया। मैंने हैंगिंग में तो ये नहीं लगाया, लेकिन आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये हैंगिंग में कितना खूबसूरत लगेगा जब इस तरह से इसकी पत्तियाँ नीचे की तरफ ट्रेल होती हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी देखिए, ये भी रेन लिली की तरह ही लगता है, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं होते, ये ग्रीन टी के लिए होता है। तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, पूरे दिन की धूप में आप इसको रखिए, बहुत अच्छे से चलता है पूरे दिन की धूप में ये। तो इसको भी जो है हैंगिंग में पूरे दिन की धूप में आप लगा सकते हैं, आप चाहे पॉट में लगाएं। तो इसमें से देखिए इस तरह से प्लांट निकलते रहते हैं, जो बहुत सारे प्लांट इससे बना सकते हैं आप, ढेरों प्लांट। तो कहीं से भी आप छोटा सा प्लांट ले आइए, उसी से ये काफ़ी सारा जो है आपके पास हो जाएगा। मैं भी कहीं से लाई थी 2-3 प्लांट ही, और उसके बाद देखिए एक साल के अंदर इसने किस तरह सपोर्ट कर लिया है। तो इसको भी आप जो हैंगिंग में लगा सकते हैं पूरे दिन की धूप में। तो यहाँ पे देखिए, ये एस्परिगस फर्न, फर्न की वैरायटी है ये। तो कुछ फर्न छाया में चलते हैं, और ये एक ऐसा फर्न है जो पूरे दिन की धूप में चल जाता है। तो फुल धूप में ये अच्छी ग्रोथ करता है, छाया में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता, वैसे छाया में ये चल जाता है, लेकिन इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है अच्छे से। तो ये पूरे दिन की धूप में भी बहुत अच्छा चलता है, अच्छी ग्रोथ करता है, तो ये भी हैंगिंग में अच्छा लगता है। देखिए नई नई ग्रोथ इसमें आ गई है किस तरह से, ये देखिए मैंने इसको पूरा कट कर दिया था, पुरानी पत्तियाँ जो है ना इसमें देखिए, और उसके बाद देखिए ये नई पत्तियाँ सारी निकल कर आई हैं इसमें।
तो ये देखिए कितने हरा रहता है, बहुत हार्डी प्लांट है। और इसमें भी जो है नीचे इसको डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यहीं पर देखिए ये है चेन प्लांट, चेन प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इस तरह से देखिए इसमें भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, नीचे रनर्स निकलते रहते हैं, तो इनसे जो है आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी धूप में बहुत अच्छे से चल जाता है, तो बहुत ही हार्डी प्लांट है ये भी, कम पानी में चल जाता है और कम केयर में। तो ऐसे प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए जो कम केयर में और कम पानी में चल जाएँ, तो पूरे दिन की धूप में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रूबी नेकलेस, ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो ये भी जो है हैंगिंग में बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन की धूप में, चाहे पूरे गर्मी आप इसको पूरे दिन की धूप में रखें, बस ये पूरे दिन की धूप में इसका कलर थोड़ा रेड सा हो जाता है, ब्लैकिश सा हो जाता है थोड़ा, तो वो कलर भी बहुत सुंदर लगता है इसका। तो इसको भी जो है आप धूप में रखिए और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत छोटी छोटी कटिंग भी इसकी चल जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है सकुलेंट प्लांट, जो पूरे दिन की धूप में चल जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से भी ये हैंग होता है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये, और ये छोटे छोटे फ्लावर भी इसमें खिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये भी। तो इसको भी जो है पूरे दिन की धूप में हम हैंगिंग में लगा सकते हैं। तो अगला प्लांट यहाँ पे देखिए ये सीडम की वैरायटी है, ये भी सकुलेंट ही है, तो इसको भी जो है पूरे दिन की धूप में आप लगा सकते हैं, ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो कम पानी में और पूरे दिन की धूप में ये चल जाते हैं। देखिए इस तरह से इसमें फ्लावरिंग भी होती है विंटर में, तो इसको भी जो है हैंगिंग में देखिए कितनी सुंदर लग रही है इसकी हैंगिंग जो है। तो सकुलेंट कोई भी प्लांट हो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये देखिए पूरा पॉट किस तरह से इसने कवर किया है, तो इसको भी जो है हैंगिंग में आप चला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट होते हैं हैंगिंग के, तो धूप में पूरे दिन की धूप में, पूरे टाइम ये पूरे बारिश और पूरे गर्मियों की धूप ये अच्छे से सहन कर लेता है मेरा, तो पूरे टाइम ये धूप में ही रहता है। और ये प्लांट मेरे पास 3 साल से है, तो काफ़ी सारे प्लांट इससे मैंने बना लिए हैं कटिंग से, काफ़ी अच्छे से चल जाता है ये भी। तो इसको भी जो आप हैंगिंग लगा सकते हैं, तो मेरी हैंगिंग आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। यहीं पे देखिए ये है फिंगर कैक्टस, कैक्टस की वैरायटी है ये, और ये देखिए कितने सारे प्लांट इसमें से बन रहे हैं, और इन्हीं से ये छोटे छोटे प्लांट जो इसमें से ये निकले हुए हैं, ये बेबी प्लांट हैं इसके, यहीं से इनको कट कर लिया और कटिंग से लगा लीजिए। ये भी पूरे दिन की धूप बहुत अच्छे से सहन करता है, तो पूरे दिन की धूप में ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है, बहुत ही अच्छे से, काफ़ी अच्छे से नहीं मतलब बहुत ही अच्छे से चल जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है, कम पानी में चलता है, 8 से 10 दिन में पानी दोगे तो भी ये खराब नहीं होता है, और कितनी भी धूप ये बर्दाश्त कर लेता है, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये भी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, देखिए किस तरह से ये बहुत लंबा हो जाता है, ये देखिए काफ़ी हाइट है इसकी, तो बहुत ही सुंदर लगता है, इसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो आप जो है कि धूप में लगा सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।